महगामा और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर झा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गोड्डा के महेश्वर में बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा ने शेखर झा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक था और डेटा एनालिटिक्स का भी राष्ट्रीय संयोजक था। हिमंता दादा का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ और आज जब झारखंड की बात करते हैं तो आज झारखंड को एक नए मॉडल की जरूरत है। और आज झारखंड में जिस तरह की समस्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं, जो पलायन की समस्या है, जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वो तमाम समस्याओं का जवाब जो है वो असम मॉडल ने दिया है। दादा का एक मुझे बहुत पसंद आता है कि दादा कहते हैं कि मैं असम का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं असम का सीईओ हूँ। तो आज झारखंड को भी एक मुख्यमंत्री की नहीं, एक सीईओ की जरूरत है। और दादा का मॉडल जिस दिन झारखंड में चले, देखिए भाजपा एक सशक्त पार्टी है। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के जो उनकी जो पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो विकास वाला भारत है, उस भारत में, उस मॉडल में विश्वास जताते हुए आज मैं इस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। मयूर शेखर जी को स्वागत है। सुबह सुबह बाबूलाल जी मुझको फोन करके उनका बहुत तारीफ किए है। मैं भी मिलते रहूंगा और पार्टी को सशक्त बनाऊं। और कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक था और डेटा एनालिटिक्स का। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर में असम के मुख्यमंत्री, भाजपा के शीर्ष नेता हिमंता बिश्व शर्मा की सभा, अमित कुमार मंडल के लिए आशीर्वाद के लिए। इस सभा के बाद क्या कहना चाहेंगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे जनता को। चारा का ये सिर्फ चुनावी स्लोगन नहीं है, ये स्लोगन है जनता को इकट्ठा करके एक मैसेज देने का कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ना हम लोग बांग्लादेश से घुसपैठियों को टॉलरेट करेंगे, ना आपराधिक तत्व को टॉलरेट करेंगे, और तमाम ऐसे लोग होंगे जो आपको जिंदगी तिल तिल के जीने के लिए मजबूर करते हैं, उन लोगों को गोड्डा विधानसभा से बाहर भगाएंगे। बगल में सभा हो रही थी, नारा लग रहा था कि एक ही नारा हेमंत दोबारा, कल्पना सोरेन जी लगा रही थी। कल्पना सोरेन जी लगाएगी, स्वाभाविक है, उनकी पत्नी है तो वो अपना धर्म निभा रही है। लेकिन यहाँ धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ राजनीति की लड़ाई है। राजनीति की लड़ाई में जनता फैसला करती है, ना कि पति पत्नी फैसला करते हैं। पत्नी ने अपने पति के लिए फैसला सुना दिया, लेकिन जनता जो है अपने मुख्यमंत्री के लिए फैसला सुनाएगी और जनता अपने विधायक के लिए फैसला सुनाएगी। अंतिम सवाल, मार्जिन क्या रहने वाला है इस बार? जनता ने खुद ही बोला 25,000 खुद ही बोल रहा है। परिणीता झा बोल रही है 25,000 से लीड करेंगे। हाँ, और महेशपुर के लिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महेशपुर के लिए मेरी आवाज बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाइएगा, देखेंगे और सबसे पूछ लेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। अमित जी, कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा? कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? देखिए, मेरा तो कॉन्फिडेंस जनता के आशीर्वाद से, अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, अपने भाजपा परिवार से आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अमित मंडल लेके चुनाव में मैदान में है, तो मुझे लगता है मेरे लिए गर्व की बात है और मेरे लिए खुशी की भी बात है। अमित मंडल हिमंता बिश्व शर्मा की सभा के बाद फील गुड में कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा। देखना दिलचस्प होगा कि 20 नवंबर को जनता किसके नाम पर, किसके निशान पर मुहर लगाती है। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, महेशपुर, गोड्डा विधानसभा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।